रखा है। किस चीज का बाबू? घर का माँ। हाँ। पहले मैंने उन्हें बोला था घर बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं बनाया उन्होंने, फिर बनाया, पानी भरता था। अब माँ को भी रख ही लिया है, लेकिन माँ भी इन्हीं के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, और कोर्ट में केस कर रखा है, घर ले रहे हैं। मायके वालों ने, ससुराल वालों ने, तंग भी करते थे माँ, आप सबको पता, मारते पीटते थे हस्बैंड भी, ससुराल वाले भी, खाना पानी कुछ नहीं देते थे। तो अब घर बना है, तो पहले तो बहनों ने कुछ नहीं बोला कि घर बना ले, पानी भरता है, कुछ नहीं। अब जब बना लिया, बेटा भी उन्हीं के पास था, अब भगवान ने ऐसा किया माने कि 16 साल बाद पति मेरे साथ बैठे, तो अब वो बनाया हुआ घर माँ ले रहे हैं। अच्छा। इसलिए कोर्ट में केस डाल दिया, माँ भी है, माँ आप जानते हो माँ कैसी है, उन्होंने बहुत तंग किया माँ, तो हम नहीं चाहते माँ मेरा घर में छत चली जाए, कहाँ से जाऊँगी बच्चे। तेल लाई अपने घर से? कहाँ से आई है? रोहिणी। तो बिना तेल के क्यों आई है? पता नहीं था, घर से सीधी आई है। नाम बोल अपना। शीतल। तेरे पति का नाम? प्रदीप। तेरे ससुर का नाम? धन बहादुर। हाँ, धन बहादुर। ये उन्हीं के नाम है क्या घर? हाँ, मम्मी के नाम है, लेकिन इनके नाम कर दिया, लेकिन जब तक मम्मी है तब तक वो हमारे नाम नहीं होगा माँ। लेकिन मम्मी ये कहती है मुझे मेरी बेटी का नाम कर दो, और आप इस माँ बाबू माँ आई तो ये दिखा रही है घर में हिस्से होंगे। माँ नहीं, कहाँ ले जाऊँगी मैं, और इसी घर से माँ खर्चे हो रहे हैं, पति कमाता नहीं, खर्चे भी इसी घर से हो रहे हैं। इस घर के हिस्से दिखा रही है बेटा माँ आई। नहीं, नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊँगी माँ। अभी बड़ा तेल लेके आना ताकि मैं साइट अच्छे से देख सकूँ, ठीक है? दोबारा बोलो अपना नाम। शीतल। तेरे पति का नाम? प्रदीप। तेरे ससुर का नाम? धन बहादुर। पीरों का काम कराओ, जो बच्चे कराओ हाजिर कराओ, चल तेरे हाथ में कराती है माई, ठीक है? मेरे बच्चा अरदास लगा के जाना। दूसरी बात ये, अगली बार आए लाडो तेल लेकर आना। और माँ एक व्यक्ति है, उसने हीरा नाम का है माँ। हीरे की बात मत कर, यहाँ लगती है। हाँ, उसने जमीन ले रखी है माँ, बोलता तो है पैसे दूंगा पैसे दूंगा, मैं सोचती कुछ आए तो हम बिजनेस भी खोल ले, पति अभी टाइम है, पैसे दे देगा, लेकिन वो देगा ना। हाँ, चलो आ गया, अरदास लगा जाना बेटा। कोई नहीं, मैं कहती हूँ करती हूँ, तसली रख, अगली बार तेल लेके आना। मच्छर खा रहे हैं, कल परसों से मुझे मच्छर खा रहे हैं, पता नहीं इनको मेरे अंदर क्या मिल रहा है, उबला हुआ खून, उबला हुआ तो खाती हूँ मैं। हाँ बेटा बोल। जय महाकाल। हाँ, जय महाकाल। गुजरात से आया हूँ मैं। गुजरात से? हाँ। गुजरात में किधर से? गुजरात में वापी, हमारा सिटी पड़ता है। हाँ, तो एक बार मैंने आपको लेटर भी भेजा था। वहाँ राजापुरी से मैंने ये धारण किया था, गुरु धारण। अच्छा, एक साल डेढ़ साल। हाँ माँ, चल बता। पिछली बार आके गया था जून में माँ, दोनों टाइम मेरा किया था, तूने गुरु धारण या अभी? नहीं भाई, दोनों साथ थे, तो जून में आया था, तो दोनों बार मेरा नंबर नहीं लगा, पूछा के टाइम से आओगे तभी तो, इधर रुका था माँ हफ्ते भर। चलो ऐसे नहीं होता, नंबर लगता है टाइम से आओगे तो जरूर लगता है नंबर। चलो बोलो। माँ, हमारे घर में माँ की सेवा चल रही, पहले से मेरी मम्मी को आती थी माँ, अम्बा जी की। हाँ, और मंदिर भी बनवाया है हमने, फिर मंदिर बनवाने के एक साल बाद पिताजी का वहाँ देहांत हो गया, छत से गिर गए थे, फिर मम्मी का सब मतलब सेवा पानी कम हो गया, फिर मैं ही सब मतलब संभालता था, माँ को बिठाया है तो सेवा पानी मैं ही करता हूँ। हाँ, अभी हाँ, भी चालू ही है। गद्दी लगा रहा क्या तुम? हाँ, मैं गद्दी भी लगाता हूँ। तो परेशानी मतलब पैसा लेता है क्या? हाँ नहीं, पैसा नहीं, निःशुल्क ही पहले से चल रही है। पक्की बात ना? हाँ माँ, मैं देख लूंगी। माँ के समय से निःशुल्क ही चल रही है। और भाई की ये परेशानी हो गई कि भाई की बीवी घर छोड़ के चली गई ऐसे ही झगड़े में, दोस्त के मतलब दोस्ती साथ में। हाँ, और नहीं भाई तो इधर ही है, वो खुद ही बच्चे लेके चली गई। अकेली गई, किसी के साथ चली गई है? नहीं, उसके मायके चली गई, मतलब बच्चे लेके। हाँ, तो अभी 5 साल होने को आए, वो मतलब आने के लिए भी मना करती है और बच्चों को भी नहीं मिलने देती। क्यों मना करती है, क्या कारण है? कुछ बात हुई थी, लड़ाई झगड़े में गई थी, कैसे गई थी? लड़ाई झगड़ा मतलब ये जो है ना, वो मेरी बहन के एक सौतन है गाँव में, उनके साथ इतनी गहरी उसकी दोस्ती हो गई, और वो पैसे वाली बहुत है, मतलब उनको ऐसा मतलब वार लिया कि भाई के साथ झगड़ा करती थी, रहने नहीं चाहती थी, और उसके साथ में अभी भी पूरा सपोर्ट वही करती है, तो मतलब उसको झुक मत इन लोग के घर को। हाँ, मेरे को मेरे साथ चल रहा है। हाँ, हम लोग को झुकने के लिए बोलती है। अच्छा, ऐसा सब करा रही है। तो बुलानी है ये, मतलब उसके मन में अभी क्या है क्या नहीं माँ, क्या जाने। अब मन में तो भैया सीधी सा बात है, पैसे का खेल है सारा, उसको किसी चीज की कमी नहीं है तो क्यों आएगी?
बच्चों का भी खर्चा सब उठाती है वो। हाँ, सब वही कर रहे। तो किसी की कमी है तो क्यों आएगी? ऊपर से फिर वो तुम्हारे भैया भी तो गुस्से में कुछ कुछ बोल जाते हैं। हाँ, भाई का भी गुस्सा बहुत। तो फिर जब गुस्से में कुछ भी बोल जाएगा कोई औरत क्यों सुनेगी? ऊपर से काम धंधा उस समय था नहीं, चलते रहा उल्टा सीधा बोलता था। हाँ, हाँ। तो बेचारी कैसे काम चलाएगी? गलती उसकी कहाँ है? गलती तो भैया तुम लोगों की है सही मायने में। तो तुम मेरे शिष्य हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम लोगों की साइड लूंगी। नहीं, वो तो सही बात है माँ। भाई ने तेरे ने बोलने में कसर नहीं छोड़ी। जितना गंदा से गंदा बोल सकता था उसको बोला उसने। हाथ वात तक धक्के वक्के सब मारे इसने। ठीक है, तो फिर वो क्यों? वो खुद करने कमाने वाली औरत है, वो क्यों अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेगी? आने का उसका है कि वो आना चाहती है, लेकिन इस शर्त पे आना चाहती है कि तेरा भाई कमाए और ढंग से रखे उसे। हाँ, नहीं अभी तो भाई दुबई में है, नौकरी भी अच्छी लगी है। तो वो ढंग से रखे उसे। हाँ, आ जाए और बुलाओ भाई कविता जी ऐसा। और माँ मेरे गद्दी के लिए क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी देखो, गद्दी के लिए तो जब मेरे से पूछ के लगाओगे तभी तो मैं कुछ सिखाऊंगी। अपने आप ही तुम लगे पड़े हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, वो तो माँ जब ही बोली थी तभी से। हाँ, तो उसके बाद आकर के कुछ बताना भी तो होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसी के लिए माँ आ रहा हूँ। नाम बोल अपना। हितेश। और तुम्हारे पिताजी का नाम? बाबूलाल। तुम्हारे दादाजी का नाम? छत्र सिंह। गद्दी पे ना कटार है ना त्रिशूल है, ऐसे ही तुम्हारी गद्दी चल रही है। ना ही माँ माई के कुछ और चीजें रखी हुई है वहाँ पर। ऐसे ही चल रही है। गद्दी में नाम लिखवा करके जाओ और माँ माई के कविता जी इसको बताओ क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या करना होता महीने, ये बताओ। चल। हाँ जी बेटा बोलो। माँ सैलरी नहीं आ रही मेरी। किस चीज से? ऑफिस से मेरी। किस चीज से ऑफिस? एसडीएम ऑफिस में। अरे भैया बड़ा आदमी है तू तो। तुझे लाइन में बिठा दिया, देखो कैसी माता जी है, हैं लाइन में बिठा देती है सबको। नाम बता अपना। दीपक। हाँ जी। और तेरे पिताजी का नाम? संजय। पहली बार आया क्या तुम? हाँ जी। संजय। और तेरे दादा का नाम? किताब सिंह। किताब सिंह। हाँ जी। तुम्हारी कुल देवी चौक चौराहे वाली है? हाँ जी। उसके नाम के पैसे रख देना उठा करके, अरदास लगा के जाओ, निकल जाएंगे तेरे पैसे, बाकी हाजिरी भर जोत बत्ती का। माँ इसकी ना तबीयत भी खराब रहती है बहुत ज्यादा। लड़की है? लड़का? लड़की है। लग झगड़ा कर दूं? मतलब हर दूसरे दिन इसको हॉस्पिटल लेके जाना। देना भाई बाबू को। इसके डॉक्टर बंद ही नहीं। इसके ऊपर से 11 रुपए वार करके किसी भी माँ भगवती के मंदिर में चढ़ा देना, ठीक रहेगी। हाँ, उसी का असर है बेटा। काली माता के मंदिर चलना है, फिर शक्ति है इसके ऊपर। छोटी सी बच्ची है, अपना हमारे पितर वगैरह तो ठीक है ना घर के? सब ठीक है, तुम्हारे एसडीएम ठीक नहीं है बस। चलो मानो नौकरी तो ठीक ठाक चलती। हाँ, बढ़िया रहेगी, टेंशन मत। अरदास आगे जाना है ना? हाँ भाई, 1 रुपया दे के जाइए छोरी। बाबू का है? हाँ, शाबाश। गद्दी 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 बेटा सामने पड़ोस में लगाइयो, अब कॉम्पिटिशन चलेगा अपना, किसके पास भीड़ ज्यादा। खाली प्लॉट में किसका भूत आएंगे? लगा नहीं है माँ? मम्मी बहुत 3 साल दूसरों का दिख रहा है, कहाँ लगाएगी? उसी में लगाऊंगी और उसी पर लगवाओगे आप। अब वो फिर टाटा करेगा, जब वो निकलता बढ़ता हाथ जोड़ के निकल सकता है माई के, तो इतनी तो बुद्धि कर ही रहेगी उसकी के हटाना सके। चल लगा फिर, क्योंकि उस कहां लगाएगी? पैसे नहीं लेने दूंगी हाय मेरी, उड़ा दूंगी तेरे को। मां उड़ा देना, ठीक है। मेरी माँ भगवती कभी ऐसा सीवन में समय भी न लाए, और मैं चाहती भी हूं मम्मी दुख देख के बढ़ रहा नहीं जाता। सही बात है बेटा, करवाओ कविता जी। चलो आ जाइए जी, इस बार इतनी गद्दियां बांट रही है ना मम्मी, 3 ली मम्मी ने, 313 बांट दी। बहुत गद्दी है इस बार गद्दी वाले बुलाऊंगी ना, बहुत छोटा पड़ने वाला है देखना। हाँ, गद्दी में नाम भी लिखवाना और बता दो कैसे चलाएंगे।